सारे गामा कारवा के बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए कोड को स्कैन करें। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। आज फिर एक नया शो और एक नई प्लेलिस्ट लेकर के आई हूँ आपके लिए। वैसे कभी कभी लॉन्ग ड्राइव और अच्छा म्यूजिक सबसे बेस्ट थेरेपी साबित होता है, और जब मौसम बढ़िया हो तो पुराने गानों को सुनने का मजा ही कुछ और है। और ये मजा आप ले सकते हैं अगर आप भी ले आए अपना खुद का सारे गामा कारवा। वैसे आज की जो मेरी प्लेलिस्ट है, सीम्स की बहुत सारे लोगों के लिए एक परफेक्ट लॉन्ग ड्राइव की प्लेलिस्ट होने वाली है, क्योंकि गाने हैं राजेश खन्ना जी की फिल्म आराधना से। आराधना एक ऐसी फिल्म है जिसके गाने और यादें दोनों ही आज तक भी काफी फ्रेश हैं, क्योंकि ये वो फिल्म थी जिसने राजेश खन्ना जी को ओवरनाइट एक सेंसेशन बना दिया था एंड एस्टैब्लिश्ड किशोर कुमार एज द वॉइस ऑफ राजेश खन्ना। बट नॉट टू फॉरगेट, इस फिल्म में राजेश जी के लिए रफी साहब के गाए हुए गाने भी काफी मेमोरेबल थे। वैसे आराधना फिल्म 5 लैंग्वेजेस में डब की गई थी और हर लैंग्वेज में हिट साबित हुई थी। इवन दो बजट और प्रिंट के एक्सपेंस के कारण फिल्म की रिलीज डिले करनी पड़ी थी। जानते हैं आप, आराधना फिल्म के बाद फिल्म के लिरिसिस्ट आनंद बख्शी जी के लिए सारे दरवाजे खुल गए थे, उन्हें काफी सारे ऑफर्स आने लगे थे। इनफैक्ट वो शक्ति सामंत जी ही थे जिन्होंने आनंद जी को सचिन देव बर्मन जी से मिलवाया था। शक्ति जी आराधना फिल्म बना रहे थे जिसमें SD बर्मन जी म्यूजिक डायरेक्टर थे। SD जी ने पहले ही मेंशन कर दिया था कि भाई देखो, न्यू कमर्स की फिल्म है, जो कि सब ही इस प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत एक्साइटेड और पैशनेट है, और आनंद जी भी उस समय न्यू कमर ही थे, सो फिल्म तो हिट होनी ही है। जब इतने सारे लोगों का एक ही ख्वाब होगा कि उनकी ये जो पहली फिल्म है वो काम कर जाए, तो भाई किसी में इतनी हिम्मत है कि इतने सारे लोगों का ख्वाब जो है वो अधूरा छोड़ पाए। फिर SD बर्मन जी ने उन्हें फिल्म के गानों की सिचुएशन बताई और आनंद बख्शी जी ने सबसे पहले कोरा कागज सॉन्ग उनके सामने पेश किया। उसके आगे क्या हुआ वो तो हिस्ट्री है। फिल्म ने तो गोल्डन जुबली सेलिब्रेट की ही, गाने भी एवरग्रीन बन गए। सुना है कोरा कागज सॉन्ग की कॉम्पोजिशन में SD बर्मन जी की थोड़ी बहुत मदद RD बर्मन जी ने भी की थी। वेल, जब दो इतने स्किलफुल कंपोजर्स एक ही गाने पर काम करेंगे तो गाना तो सुपरहिट होना ही था। चलिए सुनाते हैं आपको यही गाना। शुरू करते हैं इस गाने के साथ आज का मेरा ये शो। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो, मेरे यानी रुचि के साथ। सपनों में
करता हूँ। नैना कजरा रे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सके और एंजॉय कर सके। सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाथ चलिया।
की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आए रुक मस्तानी कब आएगी तू? बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू? चलिया तू चलिया। खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आए रुक मस्तानी कब आएगी तू? बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू? चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का, और किसी पे ये आ जाए? क्या है भरोसा आशिक दिल का, और किसी पे ये आ जाए? आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आए रुक मस्तानी कब आएगी तू? बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू? चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आए रुक मस्तानी कब आएगी तू? जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू? चलिया आ तू चलिया चलिया तू चलिया चलिया आ तू चलिया। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। शक्ति सामंत जी एसडी बर्मन जी का काम गाइड और जूल थीफ फिल्म में देखकर उनसे बड़े इम्प्रेस हुए थे, और इसीलिए आराधना फिल्म के लिए शक्ति जी ने एसडी बर्मन जी को ही चुना। यहां पर आज मैं आपको सुना रही हूं आराधना फिल्म के ही सभी सुपरहिट गाने। हालांकि एक बात जरूर है, एसडी जी ने इसके पहले भी शक्ति सामंत जी के साथ इंसान जाग उठा और नॉटी बॉय फिल्म में काम किया था, उनके साथ कोलैबोरेट किया था, लेकिन आराधना फिल्म एक्चुअली चेंज्ड द कोर्स ऑफ म्यूजिक इन दैट टाइम। ऑल्सो इस फिल्म के लिए एसडी जी ने शक्ति जी से कुछ 5,000 रुपए अपने इंसान जाग उठा फिल्म की फीस से ज्यादा मांगे थे, पर शक्ति जी को उन पर पूरा भरोसा था, इतना कि उन्होंने एसडी जी को 1,00,000 रुपए प्रॉमिस किया। तब तो शक्ति जी को अंदाजा भी नहीं था कि आराधना फिल्म के रिकॉर्ड सेल्स हो जाएंगे इतने कि वो फिल्म के प्रॉफिट मनी से अपनी अगली 5 फिल्में बना डालेंगे। कुछ ऐसा ट्रस्ट था शक्ति जी को एसडी बर्मन जी के काम पर। आइए सुनाते हैं आपको इस फिल्म से वो गाना जिसकी इनिशियली ट्यून एक इंडियन फोक स्टाइल में कंपोज की गई थी, लेकिन फिर इस गाने को परफॉर्म करते हुए किशोर दा को ये कॉम्पोजिशन को जमी नहीं, और उन्होंने एसडी जी से रिक्वेस्ट किया कि वो अपने तरीके से ये गाना गाना चाहेंगे। फिर क्या था, उस गाने का एक अलग ही फैन बेस बन गया। मैं बात कर रही हूँ रूप तेरा मस्ताना सॉन्ग की। इतना प्यारा गाना है, तो चलिए मिल के सुनते हैं। Thank you.
मस्ताना प्यार मेरा दीवाना रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए रात नशीली मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है रात नशीली मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है आए शराबी मौसम बहकाए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए आंखें मिलती हैं ऐसे बेचैन होके तूफान में जैसे आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे बेचैन होके तूफान में जैसे मौज कोई साहिल से टकराए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए हमको जमाना दूर ही रहना पास न आना रोक रहा है हमको जमाना दूर ही रहना पास न आना कैसे मगर कोई दिल को समझाए रूप तेरा मुस्ताना प्यार मेरा I hope you're enjoying the show. इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें. गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली 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 छुप जाए हाय जरा देखो सजन बेईमान भौरा कैसे मुस्काए हाय कलियों शर्माए घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए हाय रुत ऐसी हाय के
गली गली चली गली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। किसी को क्या कहें हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए सोए। किसी को क्या कहें हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। बहाने आंख ना लड़ा जाओ सुनो पास ना गली के बहाने प्यार ना जताओ जाओ चलो बात ना बनाओ भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ जाओ। प्रीति ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली गली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली 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 कली। वेलकम बैक टू द शो कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप मेरे यानी रुचि के साथ। आज हम आराधना फिल्म के एल्बम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस फिल्म से राजेश खन्ना जी ने सुपर स्टारडम हासिल किया था और इस फिल्म का हर एक एक गाना अलग लेवल पर हिट हुआ था। इतना कि इस फिल्म के बाद राजेश जी ने ठान लिया था कि अब से उनके सारे गाने किशोरदा ही गाएंगे और वो किसी कंपोजर को दूसरे सिंगर्स साइन करने ही नहीं देंगे। इस बात के कारण मोहम्मद रफ़ी साहब के करियर पर बड़ा असर हुआ था। उस दौरान मीडिया में ये बात फैल गई थी कि आराधना फिल्म के सक्सेस के बाद जहां किशोरदा का करियर आसमान छू रहा था वहीं रफ़ी साहब का करियर ज़मीन पर लौट आया था। रफ़ी साहब की एनर्जी भी इस सब के बाद काफ़ी ड्रेन हो गई थी इसीलिए उन्होंने स्मॉल टाइम कंपोजर्स के साथ छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरह वो उन्हें ट्रीट करते थे उसकी वजह से रफ़ी साहब का कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा लो होता चला जा रहा था। एक दिन कंपोजर नौशाद जी रफ़ी साहब से मिलने उनके स्टूडियो में गए। उन्होंने जब देखा कि रफ़ी साहब का कॉन्फिडेंस इतना कम हो गया है उनकी हालत ख़राब है तो उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर नौशाद जी ने रफ़ी साहब को याद दिलाया कि वो कितने बड़े सिंगर हैं और कहा कि ये कभी मत भूलिए कि आप मोहम्मद रफ़ी हैं जो एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी रेप्यूटेशन किसी भी मेल सिंगर ने आज तक एक्सीड नहीं की है। हमेशा याद रखिए कि आप जिस गायक को अपना राइवल समझ रहे हैं यानी कि वो किशोरदा की बात कर रहे थे यहाँ पर तो आप जिस गायक को अपना राइवल समझ रहे हैं उनका तो कोई क्लासिकल बैकग्राउंड भी नहीं है तो वो आपकी टक्कर के काबिल भला हो भी कैसे सकते हैं। तो वापस जाइए रिकॉर्डिंग रूम में और पहले की तरह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जैसे आप गाना गाया करते थे वैसे ही गाइए। इसके बाद नौशाद जी ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन किया एंड ग्रेजुअली थिंग्स वेंट वेल। खैर चलिए फिलहाल सुनते हैं आराधना फिल्म से रफ़ी साहब और लता जी का वो गाना जिसमें राजेश जी और फरीदा जलाल जी की केमिस्ट्री काफ़ी इनोसेंट सी थी, बागों में बहार है। सुनिए ये गाना और सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो। अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन डन डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बहार है, है? मैंने पूछा बागों में बहार है, है? गर्मियों की निहार है तो तुमको मुझसे प्यार है। बागों में बहार है, गलियों पे निखार है, है।
मुझसे प्यार है, बागों में बहार है। देखो मुझे सैया बोलो तुमको इकरार है, फिर भी इनकार है, ओ तुमको मुझसे प्यार है, बागों में बहार है। आज के शो के सभी गाने आप सारे गामा कारवा से सुन रहे हैं। सारे गामा कारवा इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। बनेगी तेरी ये निराशा, सागर समान
आए इसमें तूफान, दिया तेरा सागर समान, नजर तेरी काहे नादान, छलक गई गागर समान। ओ जाने क्यों तूने यूं आंसू वल से मैं भिगोए, हाय को रोए। चाहे जो होंगे सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। दिया टूटे तू है माटी, जले तो ये ज्योति बने, दिया टूटे तू है माटी, जले तो ये ज्योति बने, वही आंसू तो है पानी, रुके तो ये मोती बने। ओ ये मोती आँखों की पूजी है, ये ना खोए काहे को रोए। काहे जो होए क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ, और आज मैं और आप मिल करके आराधना फिल्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं इसके म्यूजिक के जरिए। वैसे शायद आपको ये पता नहीं होगा कि आराधना फिल्म का नाम आराधना होने ही नहीं वाला था। ओरिजिनली इस फिल्म का टाइटल सुबह का प्यार रखा गया था, लेकिन सुना है कि SD बर्मन जी को ये नाम फिल्म की कहानी के लिए सूटेबल नहीं लग रहा था, इसीलिए उन्होंने शक्ति जी को टाइटल रिकंसिडर करने के लिए कहा, तब जाकर के फिल्म का नाम आराधना रखा गया। वैसे उसी समय उनके पब्लिसिटी डिजाइनर चंद्र मोहन जी ने भी फिल्म को एक नया अवतार देने में मदद की। उन्होंने अपना आर्टिस्टिक दिमाग लगाया और फिल्म के पोस्टर पर आराधना का D और H इसको जोड़ते हुए एक कमल डिजाइन किया था। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा किस तरह का पोस्टर था इसका। वैसे ये कहानी जो थी, इस फिल्म की कहानी, ये भी काफी पुरानी कहानी थी,
जो कि लंबे समय पहले राइटर सचिन भौमिक जी ने लिखी थी, उनके जहन में काफी समय से थी। वो तो शक्ति जी के एन इवनिंग इन पेरिस के शूट के दौरान उनको ये कहानी वापस याद आई, तो उन्होंने शक्ति जी को ये कहानी सुनाई, उनके साथ में शेयर की कि भाई देखो ये कहानी बहुत पहले से मेरे दिल और दिमाग में है, आज फिर से आ गई है, मेरे जहन में फिर से याद आ गई है, तो क्या इस कहानी पर फिल्म बनाई जाए। बस फिर क्या था, शक्ति जी ने इंस्टेंटली डिसाइड किया टू मेक अ फिल्म ऑन इट, क्योंकि वो कहानी से उन्हें अपनी माता जी की याद आ गई थी। आइए इसी बात पर सुनते हैं माँ और बेटे पर बना लता जी का ये प्यार भरा गाना। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हर हफ्ते हम कारवा क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक
और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इसे तेरा।